दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया तीसरा मुकाबला बड़ा ही रोमांचक रहा दोस्तों जिस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने 120 रन मारे मात्र 55 गेंदों में। दोस्तों पूरी हाइलाइट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर क्लिक करें। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया मुकाबला जिसमें भारत के कप्तान रोहित शर्मा और इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर दोनों ही मैदान पर उतरे। टॉस के लिए इंग्लैंड के कप्तान टॉस को जीत गए वहीं बैटिंग करने का फैसला किया। आपको बता दें भारत की तरफ से बैटिंग करना चाहते थे परंतु रोहित शर्मा ने यह टॉस हारने के बाद उन्होंने यही कहा कि हम भी बैटिंग पहले ही करते। दोस्तों भारत के द्वारा चार बदलाव किए गए जिसमें भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और यूजी चहल को बाहर किया गया और उमरान मलिक, आवेश खान, रवि बिश्नोई और श्रेयस अय्यर को टीम में जगह दी गई। पहले गेंदबाजी करते हुए पहले दो विकेट तो इंग्लैंड की जल्दी गिरी परंतु डेविड मलान और लिविंगस्टन ने अच्छी पार्टनरशिप करते हुए डेविड मलान ने मारे 77 रन मात्र 39 गेंदों में, वहीं लिविंगस्टन ने 42 रन की मदद से इंग्लैंड 216 रन का टारगेट दे सका। भारत की तरफ से किसी भी बल्लेबाज ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया सिवाय सूर्य कुमार यादव ने 117 रन मारी, 117 रन मारी वहीं 55 गेंदों पर। दोस्तों 20 ओवर के फॉर्मेट में यह भारत की तरफ से पांचवा शतक देखा जा रहा है। दोस्तों यह मुकाबला इंग्लैंड ने 17 रन से जीत लिया परंतु भारत की तरफ से सूर्या भाई के लिए कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों क्रिकेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें।